Ladies and gentlemen, welcome to the 55th IDEA Filmfare Awards. Brought to you by IDEA Cellular Limited, part of Aditya Birla Group. Let's go. Ouch. Okay. Thank you, everyone. Very nice to have met you all. And ladies and gentlemen, my name is Khan. And ladies and gentlemen, Shah Rukh Khan, and my name is Saif Ali Khan. All right. So, did I say something? I don't know. I think. What did I say? चलिए क्या है भाई? एक मिनट, आप ऐसे नहीं आ सकते. कौन है भैया? आप कौन है? मैं फिल्मीग्रेशन, फिल्म फेयर का इमिग्रेशन. फिल्मीग्रेशन चेकिंग होगी, कपड़े उतरेंगे, शर्ट उतारिए, पैंट भी उतारिए. मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं कपड़े नहीं उतारता हूँ. नहीं, उतारना पड़ेगा, रूल है. चलिए कोई बात नहीं, एक्सरे स्कैनर से आइए. एक्सरे स्कैनर आइए. अरे नहीं, हम नहीं आएंगे यार. हम नहीं जाएंगे. आना पड़ेगा सर, वरना घर जाइए. एक्सरे स्कैनर आफ्टर यू सर. ओके, दिस इज नॉट गुड. सर आप तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आ. चुप रहे ना, शायरी मत कर, उसको बुलाना. आइए आइए, आप भी आइए. एक्चुअली मुझे घर जाना है. अंदर आओ सैफ, कम कम कम. हंसना आसाना हो गया. हो गया. नाम क्या है इनका? तो छोटे नवाब. नहीं नहीं, एक्चुअली माय नेम इज. नाम मत बोलो, नाम मत बोलो, अंदर नहीं घुसने देगा. रमेश यार देखो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है. मैं होस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती है. हाँ, सिवाय मेरे. नाम क्या? इंटीरियर में तेरी पिक्चरें नहीं चलती हैं सैफ. नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख है. अच्छा, आपका? सैफ. चिंता मत कीजिए, यहाँ सब सेफ हैं. ये पुराना जो सेफ नहीं, सैफ एंड शाहरुख. फैमिली नेम? आर्यन, सुहाना, गौरी, सविता. फैमिली के नेम्स नहीं चाहिए, फैमिली नेम. फैमिली नेम जी. ओके, माय नेम इज खान. खान? खान. आप दोनों भाई हैं? नहीं नहीं, भाई नहीं है, हम दोनों यार क्या मेरी शक्ल से एक्टर्स हैं. फिल्मों में काम करते हैं. कौन सी फिल्म की आपने? माय नेम इज खान. नहीं, वो तो मैं समझ गया हूँ,
कौन सी फिल्म करी आपने? अरे यार बोला ना, माय नेम इज खान। देखिए आप अपनी टर्न का वेट करिए प्लीज, क्या है? अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो यार, हम दोनों का नाम खान है और ये तो बहुत बड़ा स्टार है, इसने अभी अभी बहुत बड़ी हिट फिल्म की है। कौन सी? लव आजकल। लव आजकल एक्चुअली उसमें मैंने एक सरदार का रोल किया था। अच्छा, सरदार जो कि खान था? नहीं नहीं, उसमें वीर था। वीर था, वीर में तो सलमान खान था, आप सलमान खान हैं। सैफ अली खान हूं यार। अरे तुम्हारे पास लिस्ट है ना? एक मिनट सिर पे मत चलो प्लीज, एक चेक। इसमें विद्या बालन है, बिपाशा बासु है, शाहिद कपूर है। कपूर है ना ये? कपूर है ना ये? इसका नाम है ना यहाँ पे, देखो ये करीना कपूर है ये। और ये रणबीर कपूर है। रणबीर कपूर? आप करीना कपूर थोड़ी डिफरेंट। मैं आपको बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा सर, आपको तो मैं पहचान ही नहीं पाया बिल्कुल। तेरी फिल्म में भी इंटीरियर्स में नहीं चलती। बच्चों प्लीज डोंट टच मी। थैंक यू वेरी मच प्लीज। सॉरी सर, बाय। टेक लीव लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली वी आर हियर आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव हैड। आई एम हियर विद माय गॉर्जियस एंड वंडरफुल को-एक्टर करीना कपूर। यस, एंड आई एम हियर विद माय एक्सट्रीमली सेक्सी, ओ सॉरी, my bro Ranbir Kapoor. Bhai ho mere dost. Anyway, good evening ladies and gentlemen and welcome to the 55th IDEA Filmfare Awards. So, what we have decided tonight is that every year we come here and humiliate and insult everyone in the film industry. And we have decided to reverse the whole process this year, because every time you guys sit here, laugh out loud and then go back home and then sue us. So this year we plan to change things around a little bit. This year we'll open ourselves to insults and humiliations and show you all how sporting we can be. Yeah, we will be the butt of all the jokes. Okay, not all. No, some we're going to save for our friend John Abraham, obviously later. Yeah, but this is how basically it's going to flow. So now, me, that is Ranbir Kapoor, and my co-hostess, Karina Kapoor. Yes. We are going to continue the reverse process and start this award ceremony by calling on stage for the Lifetime Achievement Award, and one of the most handsome. Handsome, suave, elegant. Absolutely, and extremely, extremely pleasant, talented, and the most gentlemanly of the superstars of our time. We are going to show you some of his work, that is Ranbir Kapoor and Karina Kapoor. Would like to welcome our uncle Shashi Kapoor. ये ऐलान तो करते आए थे वो 60s में, पर लोगों से जब उनकी नजरें मिली तो लोगों ने उन्हें इस कदर दिल में बिठा लिया कि 3 दशक तक कहीं जाने न दिया। उनकी मुस्कान पे मुस्कुराता रहा पूरा भारत। 1938 में कलकत्ता के कपूर खानदान में जन्मे बलबीर राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर के इस सबसे छोटे बेटे को फिल्म इंडस्ट्री ने 12 साल की उम्र में गले लगा लिया और नाम दिया शशि कपूर का। बेटा, पर गली के सब लड़के मुझे छोकरे कहके छेड़ते हैं। When you take the name of Shashi Kapoor, only one word comes into your mind. There's charm. Charming in his performances, charming in friendship, charming as a human being. शशि कपूर ने अपने अंदाज और अपनी अदायगी से हर किरदार को यादगार बना दिया, चाहे वो जब जब फूल खिले का खूबसूरत बोटमैन हो या नमक हलाल का राजा साहब, जुनून का जुनूनी जावेद खान हो या दीवार का भाई। उनका मेरे पास माँ है डायलॉग तो आज भी बार बार दोहराता है हिंदुस्तान। मेरे पास माँ है। शशि जी उन चंद एक एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की सरहदें पार कर इंडो इंग्लिश फिल्म्स में काम किया और मर्चेंट आइवरी के साथ उनका ये सिलसिला कई फिल्मों तक चला। Please remember, speak and span. 1958 में शशि कपूर ने लेजेंडरी इंग्लिश थिएटर एक्ट्रेस जेनिफर केंडल से शादी की और उनके 3 बच्चे करण, कुणाल और संजना भी कला की सेवा में समर्पित हैं। He's done a great job. All his life he's been doing something which everyone should be proud of. I'm mighty proud of you. God bless Shasha. अभी जिंदगी में तो जीना बाकी है, जीने के बाद मरना बाकी है, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए उस महानायक का जिसकी मुस्कान से अब तक रोशन है जमाना, उस निर्माता के विश्वास और प्रयास का जिस पर नाश करता है हिंदुस्तान। प्लीज वेलकम द हार्ट थ्रॉब ऑफ अ वाइब्रेंट नेशन, शशि कपूर। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन
जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहके तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहके। Shashi ji, when I first worked with you in 1974, I could never imagine that I would be given the honor and the privilege to give you the Lifetime Achievement Award. I thank Filmfare for giving me this opportunity. To a wonderful actor, a remarkable human being, a generous producer, and above all, the most beautiful man in the world, Shashi Kapoor. Today I'm feeling very happy and honored to give this award to Shashi. My very, very dear friend, this friendship for almost 50 years. We had some wonderful times, making some beautiful films. He was the original lover boy, loved by the whole industry in the whole country. Shabana said, most beautiful man, really. He's beautiful inside and outside. I wish him all the best, good health, always with us, his smiling face. Shashi ji, all the best. Shashi, thank you for coming. Thank you. Tum bin jaun kahan tum bin. Okay. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर साल फिल्मफेयर अवार्ड्स में अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। Yes, actually, I've noticed क्योंकि दो तीन बार मुझे भी मिला है। Yeah, please stop showing off recently, but yeah, जितेश। लेकिन एक बात हम नोटिस नहीं करते कि ये अवार्ड विनर्स डिसाइड करना कितना मुश्किल है और इसी टफ काम के लिए होती है एक वेरी वेरी एफिशिएंट एंड जस्ट जूरी। लेट्स टेक अ लुक एट अ जूरी प्लीज। यस। And that, ladies and gentlemen, is a renowned editor, Mr. Jagannath Mishra, who in 1965 came from Kolkata to Mumbai and in 70 se bhi zyada films mein unhone apna editing ka jadoo chalaya. 1978 mein inki film Pathron Se Aage ne kai prestigious national aur international awards jeete. It's been an honor ki apne aakhri dinon mein wo hamari jury par the. Par is baat ka afsos hai ki wo aaj apne beech nahi hai. He's And as a mark of respect, we request all of you to kindly stand up for a minute for Jagannath Ji. Thank you very much. Very nice. Yes. Actually, that's a cut paste of me. Just to let you know, guys, how sick and dead our jokes are going to be this time. It's going to get better. It's going to be better. And it shows how much you know your technicians. You've got to wake up, boys. But yep. The original jury is hale and hearty and above all suspicion. Ladies and gentlemen, presenting here the original and the authentic jury for the 55th Filmfare Idea Awards. 55th Filmfare Awards popular category ke judges hain A.R. Murgados, Abbas Tairwala, Abhishek Kapoor, Anis Bazmi, Farah Khan, Ken Ghosh, Padmini Kolhapure, Rakesh Roshan, Shyam Shroff, Simi Garewal, Sushmita Sen. Aur technical category ki jury mein the Anurag Basu, Aseem Bajaj, Nishikant Kamat, Nikhil Adwani, Chandan Arora, Onil. Film very special. There have been some really good films that have come out this year. Honestly, I thought a couple of movies were really, really very different and very commercial. I liked Firaq a lot. Three Idiots. It has been Paap. Three Idiots and Love Aajkal. Three Idiots or Firaq ke beech mein drama chal raha. It's been more of a responsibility and a tough one for that matter. Lots of points of view thrown about. It gets tougher to choose. From the commercial to the unusual to the parallel to bahut different types ki filmein is saal ki nomination mein hai, which was very exciting. Let's see who wins. And that was the esteemed jury. Not just esteemed, it's a phenomenal jury. I mean, जैसे आपने देखा है, jury का हर member अपनी field में माहिर है, और इन्होंने अपने achievements द्वारा entertainment world में बड़ा ऊंचा नाम बनाया. I mean, they are just one of, you know, they're so nice, they're so great, they're wonderful people. Okay, sir, we get the point, man. That's all right. हो गया, समझ गया यार. तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? Oh,
Is it because tumhari film aur tum nominated ho is saal? let me clarify this, guys. Ki ye jitne bhi jury ne jo bhi voting ki hai, 48 ghante pehle puri ho chuki hai. So any maska maroing, any maska lagoing, ab kaam nahi karega. Oh, at which point I take back the last two sentences. It's a good jury, but you know. Yeah, they're good. You know, but talking about jury, I just want to say, Rakesh ji knew Jagannath Mishra. He was like kind of saying, "Main janta hoon unko." But anyway. Right. Okay. Ladies and gentlemen, isliye hum aapko right away de rahe hain mauka to get into the awards before we get on to our sicker jokes. We are presenting to you the technical awards of the 55th Idea Filmfare Awards. And to do the honors, we'd like to welcome on stage Tarun Mansukhani. Tarun, please come on the stage. The award for Best Visual Effects goes to Govardhan Vigharan and Vinay Singh Chuppal for Kameene. Ab hai bari Best Sound Design ke award ki. And to give away this award, we would like to call on stage Amrita Rao. Best Sound Design, Manas Chaudhary for Firaq. Agla award hai Best Production Design and Art Direction ke liye. And to do the honors, please welcome on stage Mr. Atul Kulkarni. Best Production Design and Art Direction, Helen Jones and Sukanta Panigari. Thank you. Okay, now to give away the award for the best editing. And to give away this award, we would like to call on stage Anjana Sukhani and Sujoy Ghosh. Okay, and good evening, and the award for best editing goes to Shrikar Prasad for Firaq. Thank you very much. I take this on behalf of Shrikar Prasad. Thank you all of you. Thank you, Filmfare. Editing ke baad hum denge, matlab Filmfare denge, the award for best choreographer. And to give away this award, we would like to call on stage Abhishek Kapoor and Divya Datta. The Filmfare award for the best choreography goes to Bosco Caesar for Chor Bazaar in Lavaj. At last we get to talk. It's taken 14 years to get this beautiful lady. Last time my wife said, speak intelligent, it won't be edited. So I told her three things I'll say. Thank you, thank you, thank you. Anyway, at this point of time, you put your hands together for the gorgeous and simply ravishing, the one and only Deepika Padukone. फिल्मफेयर अवार्ड्स की स्टेज पर मैं कई बार आ चुका हूं पर सिद्धार्थ का यहां डेब्यू है. सिड, वुड यू लाइक टू से समथिंग? वेक अप सिड. आई'd लाइक टू थैंक द ज्यूरी एंड माय पेरेंट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड द होल फ्रेटर्निटी फॉर सपोर्टिंग मी. बहुत शुक्रगुजार हूं फिल्मफेयर का. सिड सिड सिड, यू आर नॉट, यू हैवंट वन एन अवार्ड एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट नॉर हैव आई. दिस इज द ओनली ईयर आई विश आई वाज एन इडियट. आई एम गोना जस्ट टेक अ पॉज ऑन दैट एंड मूव ऑन. ट्रू. Moving on, my favorite, most favorite category of the movie making process, best action. To do the honors, please welcome on stage Mr. Akshay Mundra, Chief Finance Officer, Idea, and Payal Rohatgi. The best action, Vijayan Master for Wanted. You
सुनो करण, बड़े पर्दे पर खूबसूरत लगने के लिए एक्टर बहुत मेहनत करते हैं यार. क्या क्या नहीं करते? क्या करते हैं? यू नो, प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, फेसलिफ्ट वगैरह वगैरह. राइट. और अगर ये सब फेल हो गया, विच इनवेरिएबली हैपेंस एज वी नो, तो देयर इज ओनली वन मैन हु कैन सेव फेस, ट्रूली द सिनेमेटोग्राफर. एंड टू गिव अवे द अवार्ड, मे आई प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द वेरी अट्रैक्टिव उदित गोस्वामी एंड द वेरी टैलेंटेड पूरब कोहली. वेल, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, द विनर इज राजीव राय फॉर देवदीप. Thank you, Filmfare. Hi, Karan. Hi, Siddharth. Hello. Hi. No, Rajiv is not here. I'll take the award on his behalf. Thank you. अगला award है best costume design का. Karan, वैसे तुम भी costume designer हो ना? बहुत अच्छे. Accomplished costume designer. I mean, honestly, कैसे कर लेते हो यार? You are one of India's premier film directors. Time कैसे निकालते हो? It's the other way around, actually, Sid. जब costume designing का काम नहीं मिलता तो in between मैं picture बना लेता हूँ. That's what happens. Yeah, right. And to do the honors, could we please have on stage Manish Malhotra and Kunal Kapoor? Goes to Vaishali Menon for Firaq. एक बात बताओ सिड, जैसे हर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर होता है, तो क्या हर इंसान का भी बैकग्राउंड स्कोर होता है? हाँ, होता है. क्या होता है? तुम नहीं समझो करण, कुछ कुछ होता है. बस बस, प्लीज बस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर. To do the honors, could we please invite on stage Kabir Bedi and Mukesh Bhatt? Ladies and gentlemen, good evening. Always a very special privilege and pleasure to be here at the Filmfare Awards. The winner of the best background score is Amit Trivedi. Our next act features a boy and a girl, thank the Lord. A boy from Earth, a girl from Venus, in a love story that would well be simply out of this world. With an exclusive performance conceptualized, choreographed and remixed by Ganesh Hegde, we present the pair of the fabulous forthcoming film, Jaane Kahan Se Aayi Hai, starring the very, very entertaining and lovable Ritesh Deshmukh and the gorgeous Jacqueline Fernandez. Put your hands together for them, ladies and gentlemen. डॉक्टर साहब, मेरी लव स्टोरी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यू नो, एक्चुअली वो जो आई नो लड़की के माँ बाप राजी नहीं. नहीं डॉक्टर साहब, नो नो नो, आई विल टेल यू तुम गरीब हो, लड़की अमीर है. नो, आई गॉट इट तुम हिंदू हो, मुस्लिम है. नो, एक्चुअली इट्स अ लव ट्रायंगल. नो, देन यू आर गे. नो, तो तुम्हारे लव स्टोरी में नया एंगल क्या है? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सब लड़के यही कहते हैं, out of this world. No, no, डॉक्टर साहब, really, वो किसी और प्लैनेट से है. She's from Venus. She's an alien. Oh, she's an alien. Oh, okay, now I got it. What? Earth? I mean, you're on planet Earth. Earth pe kahan? At the Filmfare Awards. Filmfare? Wow! Hame award milne wala hai. Award milne ka to pata nahi, lekin agar achhi tarah nach le to shayad award dene ke liye bula le. Really? Then let's dance. जादू वापस गया नहीं क्या?
अच्छा अच्छा राकेश जी ने वापस बुला लिया पार्ट थ्री के लिए ओके ओके तो क्या दो साल से राकेश जी काइट्स उड़ा रहे हैं सो सैड कुछ बोलना है क्या दूसरे प्रोड्यूसर से पूछ रहा है कुछ काम मिलेगा क्या अबे मुश्किल से तो मेरे को काम मिल रहा है अब तेरे से को काम कहाँ से लग गया हूँ जाने कहाँ कहाँ से चल जादू कुछ कुछ करते हैं आजा जादू कम कम होगा आपने सिक्स पैक बना लिया अरे सैफ तुम अपनी 3D नहीं एक्स-रे ग्लासेस पहन के वापस आ गए हो यार विद्या जस्ट टेल अस हमें हम फिल्म फेयर होस्ट को देखकर तुम्हारे मन में कोई नॉटी नॉटी ख्याल आते हैं बहुत कुछ होता है किसके लिए होता है बता हम दोनों में से करण जौहर के लिए எல்லாம் ஹிந்தி திரைப்படத்துலேயும் இந்த இந்த ஹீரோயின் போர் ஏன் முன்னாடி வருது சுத்தமாக கிறுக்கமாக பொறுக்கவே இல்லையே தேரா பி போடா கீழிங் கிடைக்கிறாங்க அரே லிஃப்ட் தேரி பந்த் ஹே கேசே மே ஆஹூ தில் ராஜா மந்த் ஹே தில் ராஜா மந்த் ஹே हमारा नाम है नील नितिन मुकेश भैया सरनेम कहाँ पे है सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है ना Huh? No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, you know, just shut up, yeah. I think really, really cool glasses, Saif. Yes, thank you, Shahrukh. It's the new technology. These are my 3D glasses. 3D glasses? Hai? Matlab tumko sab 3D mein dikh raha hai yahan pe? Yes, of course. I can see Dino. I can see Diya. I can see Deepika. Oh, double D. Divya Datta. Abbe. Yes, ji. Aapne six pack bana liya. Arre, Saif, tum apni 3D nahi X-ray glasses pehen ke wapas aa gaye ho yaar. Take them off. Okay, guys. Actually, mere aur Saif ke man mein बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वक्त आ गया है कि उन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढें आप लोगों से आप सभी से वो सवाल पूछना चाहते हैं हम लोग Should we go with that? Please. Yeah. Now, ladies and gentlemen, इस सवाल जवाब वाले जबरदस्त प्रोग्राम का नाम है सैफ का सामना हेलो Why not Shahrukh or Saif ka samna? Because brother, I didn't think you'd want to be associated with any sort of samna right now. I'm really scared. I'm scared too. Tum shuru karo. I'll just support you. Okay. Pehla prashan for Hrithik Roshan.
Hrithik Roshan, the wonderful, most charming, extremely beautiful, sexy Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. And ladies and gentlemen, this whole thing is that you can abuse us, Hrithik. It's feel free to do what you wish to. It's only a joke. And Shah Rukh told me to ask you. ये सवाल Hrithik Roshan के लिए. अगर बाहर का तापमान 26 degrees है, wind speed 45 miles per hour है, हवा south से north की direction में चल रही है, और आपने 13 महीने से shave नहीं किया, तो आपकी kites कितनी vertical feet पे जाके उड़ेगी? उड़ेगी, उड़ेगी. कितनी ऊंची उड़ेगी? Come on, Hrithik. Let me see. जितनी तुम्हारी कुर्बान उड़ी थी थैंक यू फॉर द इंसल्ट आई एम डीपली ऑनर्ड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्क्ड बाय शाहरुख ही स्पेयर्ड योर विट और जितनी आपकी बिल्लू बाबर उड़ी थी उससे कुछ ज्यादा थैंक यू सो मच Hrithik यार थैंक यू यू नो I tell you, you're one after my heart. You're the most insulting friend I have. Thank you, really. And you could have been much more I'm inspired insulting. By you guys. I have a question for Neil, Nitin Mukesh. मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है Neil Nitin Mukesh. भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है ना? हाँ? Why don't you have a surname? All of us have Khan, Khan, Roshan. Where's your surname? Why? That's a very kind question, Shah Rukh sir and yeah. Saif sir. Thank you so much. No problem. Welcome, but can I take this liberty of saying something? Oh yeah? Please, yeah? this is the insulting yeah? podium. Go for it. Yeah. Well, actually, that is an insult for me. Actually, I feel. Yeah. Oh. It's not right, you know that. I think you haven't seen my father sitting out here also. Sorry, Neil. Yeah, I think it's ridiculous on both of you all to, you know, ask a question like this and always make this up on a film fair podium, you know, take up easy, there, Neil. Standing there. What, dude? No, I'm sorry, everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, you know, just shut up here. Yeah. I'm sorry, but. Hey, yaar. Well done, Nitin. Yeah. Thanks, yaar. Neil. It's Neil, yeah. Neil. Or Mukesh. Nitin. वैसे आपका surname है क्या? I don't think I need a surname, yeah. You know, I don't need a surname. I've worked very hard to come and sit even here, right in you know, in the first 10 rows out here, and then be asked a question by Mr. Shah Rukh Khan and Mr. Saif Ali Khan. You know, it's a big honor, but shut up. Thank you so much. Yeah, but just, right. Just shut up. Thanks. Thank you. Thanks. Well done, Neil. Big hand. Yeah, that's very nice. shut up, बोल रहा है. मुझको लगता है अगली पिक्चर विनोद चोपड़ा और आशुतोष गवारकर की साइन की है इसने. Okay, guys, but well done, Neil. We didn't notice your dad, he's lost some weight. But God bless you. Thank you for being here. But the next person that we'd like to ask the question is Madhavan. Yes, Madhavan, where are you? Where's Madhavan? Ah. Hi, Madhavan. Hi. How are you? And so, it's not just Madhavan, it's R Madhavan. R? Yeah. R for what? Rated? No, what is it? I mean, you know, we've never understood. R is for what? Real? In south of India, they say our. Talented, Madhavan. Talented. Oh, R Madhavan. Really talented. our oh. Yeah. Oh, like in South India, R Madhavan. Ji, yeah, R Madhavan. Pole ma, R Madhavan. Yeah, yeah. Okay. Right. Actually, it's Ranganathan. Hey, Neil, my surname is Ranganathan. Ranganathan? Yeah. Really, guys, surname did you ever know first. That R Madhavan stands for Ranganathan? Let's hear it from that. Very good. And I've known Madhavan for a very, very long time. He's amazingly talented, really wonderful. And I have a question for you. Would you know, you've been doing all these Tamil films, and wonderfully, even Three Idiots, you've been acting really great. We want to learn some Tamil, you know, all these big kind of directors, Maniratnam sir and A.R. Rahman sir, all of them from the south, you know. So we want to learn a bit of Tamil. Are you game for that? Yeah, sure. So if I give you a line from like one of my movies, and you repeat it back, and we learn it in Tamil.
Okay. We can do this, huh? So, can we have a line from your film? Is that okay? It took me 10 years, but I'm sure you can do it today. Almost took me 10 years to learn Imtiaz's dialogue, so I'm gonna, but I know it now. So I'm going to repeat it to you, okay? Go for it. From Love Aajkal, it says, Romeo and Juliet, Heer Ranjha, Laila Majnu. By the way, तुमने नोटिस किया कि देसी लव स्टोरीज में लड़की का नाम हमेशा पहले आता है ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ मुझे क्या पता तू बोल रहा है यार डायलॉग फ्रॉम द मूवी इम्तियाज वेल डन व्हिच पार्ट वाज इन द डायलॉग एवरीथिंग एक्सेप्ट द बिट आई सेड टू शाहरुख गो फॉर इट वी कैन लर्न दिस गो फॉर इट रोमियो जूलियट रोमियो एंड जूलियट सेम इन तमिल यस सर हीर रांझा हीर रांझा सेम सेम यस लैला मजनू Laila Majnu. You guys are doing really well. Okay. Yeah, thanks. Yeah. Come on. Yalla Hindi terapadathli and the hero in poor yeh manadi varde suttuma kirkama puri ki veliye. Same to you. Everybody has to insult us tonight. So would you like to do us an insult in yes. Tamil? Little shorter Something maybe? In Tamil. Pongada kirk kada naayangla. Thank you. Tera bhi pola killing kada naayangla. Thank you. Thank you, man. God bless Love you. Baby. Let's hear it for Madhu, ladies and gentlemen. Okay, now my... Favorite. I really... Where is she? Vidya Balan. Where is Vidya? Yeah, okay, right here. Okay, Vidya. Ah. Love you, darling. Welcome back. Thank you. And just want to know, जब तुम मुझको और सैफ को देखती हो, तुम्हारे दिल में पहले words क्या आते हैं? बता दूँ? Please, बोलो, दिल खोल के बोलो. I know the kind of feelings you have for us. Go for it. Sodium sulfate. विद्या जस्ट टेल अस हमें हम फिल्म फेयर होस्ट को देखकर तुम्हारे मन में कोई नॉटी नॉटी ख्याल आते हैं लाइक तुम्हारे दिल में क्या हम दोनों को देखकर या हम फिल्म फेयर होस्ट को देखकर कुछ कुछ होता है रियली गो फॉर होता है बहुत कुछ होता है किसके लिए होता है बताओ हम दोनों में से करण जौहर के लिए ओके एंड द फाइनल क्वेश्चन समझो विद्या वर्ल्ड एंड होने को आ रही है दो ही मर्द बाकी हैं टू सेक्सी गाइस दो सिर्फ दो जस्ट द टू ऑफ अस लाइक इस फिल्म इंडस्ट्री में दो ही मर्द हैं चूज बिटवीन दीस टू मैको मैन मैचो थैंक यू मैचो मैन हुज इट गोइंग टू बी बिटवीन द टू ऑफ अस बिटवीन द टू ऑफ यू Honest, darling. Honestly. Go for it. I'll choose death. Darling, thank you for insulting us over and over and over and over again every time. Thank you and very much. And staying true to the spirit of the occasion. Truly, thank you. You're truly an insulting lady. Thank you very much. That is really the most attractive part. But at this point of time, ladies and gentlemen, no more sawal and no more jawabs because hum jinki hum baat karne wale hain, wo hain truly, truly, absolutely la jawab. Hindustan ki taraf se hum, yani SAK aur SRK, pahunchana chahte hain SRT ke naam ek paigham. I hope we get this right, so here we go. Go for it. Inki wajah se seene mein rehkar hai hamara, sorry, I'm going to start again. Sir, get it right. No, yes, yes. No, it is not easy, Shah Rukh. Yeah, okay. Go for it. Hindi mein na? Inki wajah se seena reh jata hai hamara phulkar. Ye rehte hain har Hindustani ke lahu mein ghulkar. Har bowler ko laut jana padta hai inse dhulkar. To aaiye mil jul kar aur khul kar salute kare unhe jinka naam hai Sachin Tendulkar. Really, I mean, this is one of the greatest achievements, the greatest sportsman in the history of this game or any other game. Hi, John. Hey,
He's live. Hi, baby. Hi, Sachin. How are you? Sachin, सारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हम दोनों नुमाइंदे हैं और बाकी सब यहाँ बैठे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. आप कोई, हाँ, थैंक यू, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? Great, Sachin. Well, all I can say that is keep the faith and work with passion. And personal records, milestones are great, but it's always greatest when the country wins. Hey, well said, guys. Well, let's hear it. Saif has said. This is a mark of a great man. And Sachin, before you go, just a question. Yahan pe Vidya aur sab Neil hamari badi insult kar rahe hain yaar. We both are big fans. Yes, huge fans. Huge fans, Sachin. We are big fans. And jab tum humko dekhte ho, to tumhare dil mein, matlab, do you like us? Because we love you. We love you. Do you like us? Of course. Well, whenever mujhe highest score karna hota hai, jab bhi main chakko ke bare mein sochta hu, aap dono ke chehre samne aate hain. Whenever I think of chakkas, I think of you. Oh, whenever you think of chakkas, he thinks of us. Was he complimenting us? I think he was insulting us. Oh, he's insulting us. Thanks, Sachin, for this insult. Bless you, man. God bless you. Thank you so much. Thanks, Sachin. That's really kind. Thank you, guys. That's great. Sachin was here live. And now, ladies and gentlemen, for the possible future Sachin in the world of music. Yes, we are going to now present to you the R.D. Burman Award for Upcoming Talent in the Field of Music. The award present karne ke liye, we'd like to invite on stage Mr. Anu Malik and Sherlyn Chopra. Put your hands together for both of them. Thank you, Anu. Thank you, Sherlyn. Good evening, everyone. Good evening, Mr. Khan and Mr. Khan. Good evening. Thank you. Anu, you're looking very pretty. And Sherlyn, we're just looking at you. Mic aa gaye, haath mein shuru ho jaunga. Nahi, nahi, mic le lo se yaar wapas. Isliye main wapas de deta hu. We are here to present the R.D. Burman Music Award. Before that, can I say something to you? Me? Yeah. Your track, Ye Kali Kali Aankhein, it was the first track that ever got me to blush. And it was and will always be my number one track. Yeah, really. Fantastic. Yeah. I think I really appreciate that, honestly. Both of us were also blushing while doing the song. Yeah. I know, I'm still blushing. We all are blushing, yeah. But anyway, I would like to say this, sweet on your part, but coming to give R.D. Burman Award is a special moment because he taught not only me, but a lot of other composers how to actually make music. It'll be an honor to present this award. Come on, Anu. Oh, someone whose songs have actually rocked the charts. A terrific composer. I like him very much. Amit Trivedi. Everyone, let's hear it for Amit, guys. It's the greatest honor for any musician to nervous. And I've been a huge fan of R.D. Burman, sir. And I've grown up listening to his music. And today getting this award is like, it's a dream come true. And thanks a lot again, once again, Filmfare and jury. Thanks a lot. Congratulations, Amit. God bless you and keep on making wonderful music. Thank you, Anu. Thank you, Sherlyn. God bless you, man. Agla award. आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट म्यूजिक अवार्ड विच इज फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल और इसके नॉमिनीज हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के नॉमिनीज हैं अलीशा चिनॉय तेरा होने लगा अजब प्रेम की गजब कहानी कविता सेठ एक तारा Wake up, Sid. तू ही जाने तू क्या सोचता है. रेखा भारद्वाज, गेंदा फूल, दिल्ली सिक्स. ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा ले वे. ससुराल गेंदा फूल. शिल्पा राव, मुड़ी मुड़ी, पा. जुड़ी जुड़ी जा कहाँ कहाँ मैं जुड़ी जुड़ी श्रेया घोषाल जूबी डूबी थ्री इडियट्स रही है गुफ्तगु जैसा फिल्म में होता है हो रहा है हूबहू आई 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 जूबी डूबी पंपारा जूबी डूबी परंपरा सुनिधि चौहान चोर बाजारी लव आजकल तू भी तू है मैं भी मैं हूँ दुनिया
To do the honors, please welcome on stage Shahana Goswami and Madhavan. Good evening, ladies and gentlemen. The 55th Idea Filmfare Award for the Best Playback Singer, Sana. Goes to Kavita Seth for Iktara, for Wake Up Sid, and Rekha Bhardwaj for Genda Phool from Dilli Chhe. Oh, we have a tie today. Big round of applause for both of them. Shukriya, Filmfare Awards ka and Dharma Productions ka aur khas taur se Amit Trivedi ka jinki wajah se main aaj yahan par hoon unke liye ek sher arz karna chahungi ki dua karun ki salamat rahe meri himmat दुआ करूं कि सलामत रहे मेरी हिम्मत ये एक चराग कई आंधियों पर भारी है शुक्रिया थैंक यू फिल्मफेयर थैंक यू ज्यूरी थैंक यू ऑफ कोर्स ए आर रहमान फॉर क्रिएटिंग दिस मैजिक फॉर मी आई एम हियर बिकॉज ऑफ टू पिलर ऑफ स्ट्रेंथ्स इन माय लाइफ Vishal, who actually kind of initiated me into playback singing, and Guldar Saab, my Baba, for teaching me patience and for doing hard work with passion. And thanks to Bharti, Rakesh Mehra, Prasoon Joshi ji, and whole team of Delhi 6. Thank you. Thank you very much. God bless you both. Agla award hai Best Playback Singer Male and the nominees are Best Playback Singer Male ke nominees hain Atif Aslam Tu Jaane Na Ajab Prem Ki Ghazab Kahani Javed Ali Kailash Kher Arziyan Delhi 6 Mohit Chauhan, Masakali, Delhi 6. Masakali, 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 Rahat Fateh Ali Khan, Aaj Din Chadhya, Love Aajkal. Aaj Din Chadhya, Tere Rang Marga. Sukhvinder Singh, Vishal Dadlani, Dan Tanam, Kamine. Sonu Nigam, Salim Merchant, Shukran Allah, Kurban. To do the honors, please welcome on stage Chunky Pandey and Selena Jaitley. Hi guys, you guys are really rocking tonight. Good evening everyone. I've got these two beautiful ladies with me and I have to give one of them away tonight. So let Selena decide whom. What? I don't know. Can you say that again? If the choice is you, she might give herself away, Chunky. I said to whom? Okay. To whom? Sorry. To whom? These guys aren't sparing anyone tonight. So to whom it may concern, the best playback singer male goes to one of my favorite singers and one of my favorite songs, Mohit Chauhan for Masakali from Delhi 6. Well done, Mohit.
मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब ए आर रहमान साहब का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गीत गाने की हिम्मत दी। प्रसून जोशी साहब, जो कि मेरे मित्र हैं, मेरे भाई की तरह हैं, एंड उन्होंने जो बोल इस गीत को दिए, आई थिंक दे वर रियली अमेजिंग। राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब, जिन्होंने इस गीत को अपनी फिल्म में रखा, और मेरे सब मित्र हिमाचल में, मेरे माता पिता, मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा, उनके प्यार, उनका सपोर्ट, उनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और ये मैं पहली बार मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स में आई हूँ एक्चुअली। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक्स। ओके सर, सो थोड़ी सी चिकी बिकी हो जाए। यस, व्हाई नॉट, फटाक से। लेकिन ये फटाक होता कहाँ है? ढंटने के पीछे। तो फिर रिंग रिंग रिंगा कर लेना चाहिए। हाँ, वरना रात भर आऊं 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 होती है। सो बैंग 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 कर लेते हैं और फिर जिप जैप जूम करेंगे, और फिर लेडीज जेंटलमैन, आई अंडरस्टैंड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो लिरिक्स हैं ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो चुके हैं और बड़े हिट भी हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये सब म्यूज़िक वाले जो है ना बहुत बिजी हो गए हैं। रहमान साहब जो हैं मिलते नहीं हैं, जावेद साहब जो हैं अपने शब्दों से हिलते नहीं हैं, और गुलजार साहब बैडमिंटन कोर्ट के अलावा कहीं खिलते नहीं हैं। तो इसलिए आज रात को हम आप सबको लिरिसिस्ट बनने का मौका देना चाहते हैं। जी हां, गुड आईडिया। लेट्स, यू नो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज क्रिएट अ न्यू सॉन्ग। वी आर ट्राइंग टू पुट अ सॉन्ग टुगेदर। एब्सोल्युटली, यू गाइस हेल्प अस। ओके, यू नो व्हाट वी गोना डू इज, दो वी आर नॉट नोन फॉर ग्रेट सिंगिंग, बट रहमान साहब उस दिन मुझे कह रहे थे कि मैं गाना गाना शुरू कर सकता हूं, तो व्हाट वी गोना डू इज कि वी आर गोना टेक अ फ्यू नेम्स, मिक्स देम ऑल टुगेदर एंड ट्राई एंड मेक अ सॉन्ग फॉर यू। सो प्लीज बेयर विद अस इफ वी डू इट रॉन्ग। सबसे पहले कहीं से मुझको कोई एक सब्जी, वेजिटेबल, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, अ वेजिटेबल, वेजिटेबल का नाम बता, बेसिक हाउसहोल्ड वेजिटेबल। बैंगन विल डू फाइन, बैंगन इज गुड, या थैंक्स, थैंक्स रितेश एंड विनोद फॉर द बैंगन, थैंक यू, बैंगन इज नाइस। एंड अब दुनिया में आप लोगों की किसी की भी कोई फेवरेट प्लेस हो तो टॉयलेट? नहीं सैफ, तुमसे नहीं पूछ, लेट्स आस्क द ऑडियंस, दे आर हियर, उनको भी पार्टिसिपेट, समरी समवन फ्रॉम द ऑडियंस विद अ लिटिल मोर टेस्ट, व्हाट सैड, व्हाट बिस्तर, bistar, who okay. said bistar, very smart man, Genelia, did you say bistar? Bistar is your favorite place, bang in bistar, wonderful, okay. That's your favorite now, body place, part, body part, give us a body part, someone, koi bhi, and chote nawab mat kahiyega, have and some technology, can we have some technology? Twitter is good, everybody's on Twitter out, so we need some sound effects, would you like to try? Okay guys, like your old Fiat, everyone here, if you can try it, can we just try it, 1 2 3 go, faster. Beautiful. This is really nice. Okay. There's more participation than we ever had before. Really amazing. Crowd. And the guys in the back, jinko achhi seat nahi mili. But the best lines, okay? For you guys. When we pointed you, you guys go. Everyone say 1 2 3. Like the masak ali kabutar. Go. Very good. Let's go. I think we can do it. I think. Oh, look, we got girls. Hi. Okay, we can do it, we can do it. We can do the bistar, bangan, bang and Twitter, and body part. Paid body I think part. We can do this together. Okay, give me the right key. C minor? C minor is a good key. C minor is a good key. Yes, lovely. Yeah, okay. सैफ ने एक बहुत अच्छी फिल्म की थी जिसमें मेरा फेवरेट रोल है, एंड एवरीबॉडी हैज देयर फेवरेट्स, रोड साइड रोमियो में इसने जो डॉग का रोल किया था मुझे बेस्ट लगा। Count it off. Two, three, four. Bangan!
Bangor. Mere dil ka bangan, pa 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 pa, duniya ka bistar, pa 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 pa. Mere dil ka bangan, pa 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 pa, duniya ka bistar, pa 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 pa. Bajne de mera pet ka Twitter, pa 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 pa. Come on baby, let us do the bangan bistar, 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 bangan. Wow. Did you guys like that? I mean, come on, guys. That's brilliant. But thank you so much for your participation, though. You really are a lovely audience. But it is very difficult to write. Seriously, lyrics. Yes, it is. I think we should leave it to the wonderful, 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 the most gifted of people like Javed Saab and Gulzar Saab and Rehman Saab and all these great guys who've been writing lyrics. I don't think we should be trying it. Instead, what we're going to do is we are going to move on to the Best Lyricist Award. So, ladies and gentlemen, the next award coming on is the Best Lyricist, and the nominations are Best Lyrics ke nominees hain Gulzar, Kamine, Kamine. Gulzar, Dantanan, Kamine. Irshad Kamil, Aaj Din Chadhya, Love Aajkal. Tere rang marga, phool sa hai khila, aaj din. Javed Akhtar, Ik Tara, Wake Up Sid. Prasoon Joshi, Masak Ali, Delhi 6. Prasoon Joshi, Rehna Tu, Delhi 6. Dheema dheema jhoka ya phir junu. And to give away the award, may we call upon stage Pratik Babbar, Mugda Godse and the one and only Jonty Rhodes. Good evening, everyone. Hello, gentlemen. Good evening, Mugda. Good evening, Pratik. And good evening, Jonty. Jonty, can I do one thing with Jonty before he goes? Jonty, welcome. Give him the thing. Yeah. No. Here you are. No. Yeah. That's the man. The one and only Jonty Rhodes, ladies and gentlemen. I'll take it away from you. Can I throw it back? No. Are you sure? My team has been losing, dude. Don't try any tricks with me in cricket, okay? I picked a good evening to be here. I'm afraid to tell you, South Africa have just won this evening. But good evening, everybody. My timing might not be as perfect as Sachin Tendulkar's, but it is pretty good. A good night to be a South African. The award for the best lyrics goes to Irshad Kamil for Aaj Din Chadhya from Love Aajkal. Aaj Din Chadhya, Tere Rang Marga, Phool Sa Hai Khila, Aaj Din, Rabba Mere Dil. Mujhe ummeed nahi thi, toh main speech tayyar nahi karke aaya. लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू से अ फ्यू थैंक्स. पेरेंट्स का सबसे पहले शुक्रिया, इम्तियाज़ का शुक्रिया और प्रीतम दा का शुक्रिया. बेसिकली आई एम शेयरिंग दिस अवार्ड विद प्रीतम. थैंक यू वेरी मच. नाउ वी मूव ऑन टू द अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक एंड द नॉमिनीज आर बेस्ट म्यूजिक के नॉमिनीज हैं ए आर रहमान Delhi 6. Amit Trivedi, Dev D. Pritam, Aja Prem ki Ghazab Kahani. Pritam, Love Aajkal. Pehle thi aadat jo hat gayi.
शंकर एहसान लॉय वेक अप सेड विशाल भरद्वाज कमीने पैसे कखे चल चल सड़कों पे होगी ठन 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 And to give away this award, you would like to call on stage Kajol and Tabu. Everyone, put your hands together for Kajol and Tabu. Good evening, ladies. Good evening, and you both look absolutely marvelous and beautiful. Would you like to announce the winners, please? No. The best music goes to A.R. Rahman for Delhi 6. Congratulations, Rahman Saab, and if you would please say lots of words, actually. You never say lots of words. Yeah. Come on. Thank you so much, jury. Thank you, Filmfare, once again. This is my 25th award. Still on board. And congrats, Shankar. Congrats, Amit. Congrats, Pritham. I love the music of what you guys do, too. And thanks again, Rakesh and Prasoon, for the excellent teamwork and the vibe. God bless. I think Rahman sir was showing off a bit, huh? 25 awards. 25 and all. ठीक है. कोई बात नहीं है. हमारी इस बारी फैमिली के मिला के इतने नहीं हुए हैं. नहीं. हमारे पास इतने कपड़े नहीं जितने अवार्ड्स हैं उनके पास यार. But really, one of the greatest, greatest ever talents this country has produced, actually in the world. So let's hear it for Mr. A.R. Rahman. 2009 was a year of characters. एक ऐसा साल था जिसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने अपनी बाउंड्रीज को पुश करके कैरेक्टर रोल्स अपनाए. हाँ, किसी ने एक बच्चे का, तो किसी ने एक हकले का, या फिर किसी ने एक बहुत ही टैलेंटेड सरदार का. एक बहुत ही टैलेंटेड सरदार. आई रियली लव द वे रानी मुखर्जी प्लेड इट इन दिल बोले हड़प्पा. टॉकिंग अबाउट लव आजकल. हाँ, लव आजकल में ऋषि कपूर साहब ने कमाल सरदार का रोल किया था यार. Flashback में कौन सरदार था? I'm just joking with you, yaar. I think you're really good. Ladies and gentlemen, one of the finest actors in our country. Yeah, don't clap. I don't mean to be nice to him. No, but really, I loved how he did in Omkara, Langla Tyagi. He was neither Langla, neither was he Tyagi. But my favorite, favorite role, and please, 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 put your hands together. Seth ने एक बहुत अच्छी फिल्म की थी जिसमें मेरा favorite role है, and everybody has their favorites. Roadside Romeo में इसने जो dog का role किया था मुझे best लगा. Thank you, Shahrukh. I also, as you know, have immense respect for you and always. Look up to you and tried to learn so much from you. And especially the variety of roles that you play. Yeah. Like it all started with Raj and then there was Rahul. Of course. And then there was Raj. Yeah. And then there was Rahul. Of course. And then there was Raj. Yeah. And then there was Rahul. Yeah. And then there was Raj. And Rahul. And all I'm looking forward to now is like a double role where you do like Raj and then Rahul. And we can all go home. Thank you very much, Saif. Yeah, sorry. और in performances से और इतनी varied और इतनी खूबसूरत performances से मेरे दिल में एक जहन में एक नाम आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो बहुत ही talented हैं. Yeah, really. बहुत charismatic and captivating. Ladies and gentlemen, one of the finest actors, one of the most beautiful women. Put your hands together for one and only Katrina Kaif. No, Shahrukh. You can't do hurr. I'm a kabutar, you're a shark. Okay, I got it. Blue. Blue. Blue.
के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए चकोले। Gentlemen, I'm back here at the 55th Idea Filmfare Awards. अपने टीवी सेट्स और अपनी आंखें एडजस्ट मत कीजिए, जो मेरे साथ खड़ी हैं वो करण जौहर नहीं है। This is yes the very beautiful Shruti Hassan. Thank you, Siddharth. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, it's truly awesome to be here at the Filmfare celebration, and I feel truly honored to be a part of this wonderful film fraternity. Siddharth, I don't want to steal any more of your thunder. मुझे पता कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ श्रुति। Relaxed? क्या है यार, she says relaxed, वो करण बोलता है wake up said, मुझे कोई बोलने का मौका नहीं दे रहा, ये story क्या है? Precisely, the nominees for best story are best story के nominees हैं अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी, three idiots। या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा तो सोच आज वो कहाँ होते। अनुराग कश्यप, अपर्णा मल्होत्रा, राज सिंह चौधरी, संजय मौर्य, गुलाल। डेमोक्रेसी के इतने साल बाद भी ये हाल है कि कोई वोट नहीं डालना चाहता। इम्तियाज अली, लव आजकल। एदिनाल ब्याह करना चाहता। जोया अख्तर, लक बाय चांस। कितनी बार समझाया है, फील करो, फील। जयदीप साहनी, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। फिर मैं तो इतने में खुश हूं कि जॉब तो मिली। You know what? I just realized कि ये उसकी नहीं है, मेरी गलती है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे जिनेलिया डिसूजा एंड हरमन बवेजा। And well, the award for the best story goes to Abhijat Joshi and Mr. Rajkumar Hirani for Three Idiots. So I'll take this for my college buddies. Hiru, Adesh, Jitu, Anil Gambhir. This is all for you guys. Thank you. Agla award hai best screenplay ke liye. The nominees are best screenplay ke nominees hain Abhijat Joshi, Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra, Three Idiots. You're really sweet. Kahan daddy aapke? Bilkul aapke piche. Imtiaz Ali, लव आजकल। ऐ वक्त बहुत मुश्किल है पर भरोसा करो, ऐ बड़ी जल्दी पे जाना। पंकज अडवाणी, संकट सिटी। बीच में आई ना सकी तो बीच से चीर दूंगा। बाल्की, कोड होता है पा। क्रोमोसोम ए सी जी टी को मिलाकर हर शरीर में 3 बिलियन ऐसे कोड्स होते हैं। कभी कभार जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इन 3 बिलियन में से किसी एक कोड में टी की जगह अगर गलती से सी ले लेता है तो उसे और कहते हैं। ज़ोया अख्तर, लक बाय चांस। पढ़ता रहा लेकिन जब आंखें खुली तो मालूम हुआ कि ये मीठी आवाज कितनी जहरीली थी। इसे प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे द वेरी लवली उर्मिला मातोंडकर एंड द ड्यूओ अब्बास मस्तान। And the award goes to, I don't think this is surprising at all, the best screenplay goes to Abhijat Joshi, Rajkumar Hirani and Mr. Vidhu Vinod Chopra for Three Idiots. Baithi hawa sa tha wo, uthi patang sa tha wo,
मैं तो बोल चुका बाप जी. I really wish Abhijat was here. This is for you, Abhijat, and Abhijat's father and his family, who I know are watching this in Ahmedabad or will watch it. This is for your son. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm going to take your leave now. Tab tak, I'd like to invite the charming Karan Johar on stage, please. No, I don't want Karan to come. I'll do this alone. But you go take care of whatever. The charming Karan Johar on stage, I'm doing this alone. Please. Go take care of the animal, whatever. Huh? Thank you. The next award is for Best Dialogue, and the nominees are... Best Dialogue ke nominees hai Abhijat Joshi, Rajkumar Hirani, Three Idiots. Hum dukhi the, lekin humse zyada dukhi do aur log the. Anurag Kashyap, Gulab. Main in dono ko tang diya ulta bathroom mein. Ji. India's Ali, Love Aajkal. Main vaada karta hu ki is janam mein aur har janam mein hey meri voti banegi. Jaideep Sahni, Rocket Singh, Salesman of the Year. Salesman insaan hi hota. Chal, band kar. Ye to aap ulti pehen rahe ho, sir. Tere dad ki laundry hai. Shaam tak zaban se zyada shirt kaali ho jayegi. Nandita Das, Shuchi Kothari, Firaz. Itni qabiliyat kahan ke aisi nafrat ka samna kar saken. Do the honors, please welcome on stage Mr. Amit Sinha, Chairman, Managing Director and Editor-in-Chief, BOI, and the lovely Manisha Lamba. Good evening. We're here to announce the award for the Best Dialogue. The Best Dialogue goes to Abhijit Joshi and Rajkumar Hirani for Three Idiots. I thought there was some brilliant writing happening in the films which happened last year. So, I don't know, I've got it, but I think this is for all of us. Thank you. Congratulations for this whole round. A clean sweep by Raju and team. Thank you, Manisha. Thank you, sir. Hi. Oh, thank God. 6 December, a very sad day. Ek bahut mahan hasti hame chhod kar chali gayi. The legendary Beena Rai. A symbol of beauty and grace. Kai sari mahan personalities hum sabko hamesha ke liye alvida keh gayi. Let's take a look. 55th Idea Filmfare Awards san 2009 mein guzri un hastiyon ko shraddhanjali arpit karta hai jinka yogdan Hindi cinema bhulai nahi bhul payega. Nirmata nirdeshak Shakti Samanta jinhone Howrah Bridge, CID, Kashmir Ki Kali, Anand aur Aradhana jaisi filmon se Hindi cinema ko ek nayi raah dikhai. फिरोज खान जिन्होंने अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल और काउबॉयश अंदाज से कन्वेंशनल बॉलीवुड हीरो को एक नई पहचान दी और फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइल आइकन बने. प्रकाश मेहरा एक लेजेंडरी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिन्होंने जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी जैसी ब्लॉकबस्टर्स से दो दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया. गुलशन बावरा जिनके गीतों ने सीधे लोगों के दिलों को छुआ और मशहूर गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी के लिरिक्स के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया. सिंपल कपाड़िया जिन्होंने 1977 में फिल्म अनुरोध से बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत की और फिल्म रुदाली में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. जोगिंदर न सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे. उन्होंने अपने खास अंदाज से एक लंबे अरसे तक लोगों का मनोरंजन किया. लीला नायडू 1954 की फेमिना मिस इंडिया जिन्हें वोग मैगजीन ने वर्ल्ड्स 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन में से एक माना. उन्हें दुनिया उनकी खूबसूरती और सटल एक्टिंग स्टाइल के लिए हमेशा याद रखेगी. सुजीत कुमार वेटरन एक्टर प्रोड्यूसर जो हिंदी फिल्मों में काम करते करते भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने. ताहिर हुसैन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और सुपरस्टार आमिर खान के पिता. उन्होंने हम है राही प्यार के, जख्मी और अनामिका जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों को अपना बनाया. निर्मल पांडे
शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में विक्रम मल्ला की भूमिका से उभरे इस अदाकार को दायरा फिल्म के एक किरदार के लिए 1996 में फ्रांस के वैलेंटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहां एक तरफ इतने सारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, वहीं एक बहुत बहुत बड़े लेजेंड ने वक्त से पहले अचानक हमसे दूर जाने का फैसला किया। 25 जुलाई 2009 एक बहुत ही अफसोस भरा दिन माना जाएगा फॉर द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि म्यूजिक के एक लेजेंड उस रोज हमें हमेशा छोड़कर चले गए। उनकी म्यूजिक ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। उनके डांसिंग स्टाइल और यूनिक मूव्स हर बार एक नया रेवोल्यूशन लाते थे। उनका प्रेजेंस हमारी फिल्मों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा रहा है। दैट्स राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द किंग ऑफ पॉप, द वन एंड ओनली, द लेजेंड माइकल जैक्सन। टुडे वी हैव विद अस one of the most celebrated actors and stars of the Indian film fraternity. We have with us one of the best dancers that the movie industry has ever offered, the superstar, the absolutely confident, and somebody who never takes a chance on his dance, none other than Shahid Kapoor, to pay huge tribute to Michael Jackson. कमीने के घोड़े शाहिद कपूर को नंगा भगाया उनके सामने और कुछ करवाया भी नहीं। यार और ये विशाल तो यार ये करता है कुछ ऐसा, कुछ गालियां वालियां चलती है उसकी पिक्चर के अंदर, एक सेक्स सीन डाल देता है शाहिद कपूर और घोड़े के बीच में, क्या जाता था। इनफ इज इनफ। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिच खोले, के दिल मेरा क्यों कर रहे हो तुम यार? ये मैं कबूतर का साउंड इफेक्ट निकाल रहा हूँ यार। वो एब्सोल्यूट हुर, नो नो नो, शा शा रुक, यू कांट डू हुर, आई एम अ कबूतर, यू आर अ शार्क, तुम हैव टू मेक द नॉइज ऑफ अ शार्क। हां क्या 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 गॉट इट, ये दिस इज नॉट द नॉइज अ शार्क मेक्स मैन, दिस द नॉइज अ फिल्म मेक्स, जब फिल्म डूबती है तो ये आवाज आती है। चुप है।
Okay, ladies and gentlemen. हमें बाप से बात करनी थी because इस साल animals को बहुत ही ज्यादा mistreat किया गया है. जी हाँ, animal cruelty. पशु violence. Sexual harassment. जी हाँ, उनके साथ sexual harassment कैसे? हाँ, अभिषेक बच्चन ने. हाँ, एबी ने इस बेबी कबूतर को सेक्सुअली हरास किया, क्यों? कैसे? साला म्यूजिक बजाता है, जब भी देखो मटकने को बोलता है, मटक 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 मटक. दो दिन बाद खुद काला बंदर बनकर सोनम कपूर के पास ये लगा है. That's really I feel so used. अरे यार, तुम यूज की बात कर रहे हो यार. You're talking about feeling used. How used I was by अक्षय कुमार यार. I'm telling you, उसने मुझको बोला कि मुझको खाने को देगा. सारा शूटिंग में उसने मुझको भूखा रखा, भूखा. कुछ नहीं, ही प्रॉमिस्ड मी कि खतरों के खिलाड़ी की ऑल द गर्ल्स आई कैन ईट, बट कोई भी नहीं मिला मुझको. डैम मैन. हाँ, और फिर उसके बाद मुझे वो सिर्फ वो चिकी हुई की लड़की दे दी, कुछ मसाला ही नहीं था उसके अंदर यार. पेट कहाँ भरेगा? और सिर्फ हम ही नहीं यार, हमारा वो दोस्त जोधा अकबर का जो हाथी था, उसका क्या? अरे वो बेचारा, उसको तो उन्होंने बोला तुम्हारा फाइट सीन है, तुमको एक्शन हीरो बनाएंगे. तो नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं यार. उसको लग बाय चांस के अंदर सर्कल में आइटम बाई बनवा के नचा दिया उसको ऐसा. कमीने के घोड़े. शायद कपूर को नंगा भगाया उनके सामने और कुछ करवाया भी नहीं. यार, और ये विशाल तो यार ये करता है कुछ ऐसा, कुछ गालियां वालियां चलती है उसकी पिक्चर के अंदर. एक सेक्स सीन डाल देता है शाहिद कपूर और घोड़े के बीच में, क्या जाता था? इनफ इज इनफ. आप अगर प्रोड्यूसर स्ट्राइक करेंगे, हम आज से पशुधर स्ट्राइक करेंगे. एब्सोल्युटली. बोलो मेरे साथ, जानवर की जय, मानुष कलाकार हाय हाय. लेडीज एंड जेंटलमैन, डिनर हैज बीन सर्व्ड. द शेफ रेकमेंड्स शाक रेशमी टिक्का एंड कढ़ाई कबूतर. सेफ एस करीना कपूर. 1 2 3 गो. सन सना ना 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 सन सना ना सन सन सना ना 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 सन सना ना सन सन सना ना 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 सन सना ना ना सन सना ना ना ना. Now everybody give it up for Seth Ali Khan. वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाएंगी और वो हिंदी पढ़ेंगी इन दैट यूनिफॉर्म. देखा मैंने देखा, जब से तुझको देखा, कुछ भी ना सोचा ना समझा, दिल दे दिया हर गो. So, ladies and gentlemen, let's move on to the next award for the best debut. और ये award सिर्फ actors तक ही सीमित नहीं है. शुरू करते हैं best debut female से. And to do the honors, please welcome on stage Javed Akhtar साहब and Farhan Akhtar. The name sounds very familiar. Zoya Akhtar. Ah. Yo! Everybody, debut as a director for Luck by Chance. Let's put our hands together. Zoya Akhtar. Congratulations, Zoya. Thank you. Congrats, Zoya. Thank you, thank you. Thank you, Ritesh. Thank you, Big Pictures, for enabling this film. And I want to thank my awesome crew, my fabulous cast, and all the cameos, which is practically half this audience. Thank you all for being in the film. Thank you. And now, the award for the best debut
male. And to do the honors, please, we'd like to welcome on stage Mr. Pradeep Srivastav, Chief Marketing Officer, IDEA, and the very tall and beautiful Deepika Padukone. The award goes to my friend and very, very well deserved, Ayan Mukherjee. Congratulations, Ayan. Please say a few words. Thank you. I'm giddy with excitement and nervousness and shy. It's a big night for me, winning my first Filmfare Award. So thank you, Filmfare. It feels great. I need to thank Mr. Karan Johar for allowing me. He has been very gracious and generous and large-hearted with me, and I feel awkward thanking him so publicly, but he's been a star in my life. And lots of other people, Ranbir, everyone who worked on the film, some people because they liked the film, some people because they liked me, my parents, my friends, but I'll deal with all of this later. Right now, I'm just happy to belong to Hindi films. Thank you. Well done, Ayan. A big round of applause for Ayan. Excellent. Thank you so much. And now, we move on to the best actor in a supporting role, female. And the nominees are... Best actor in a supporting role, female, ke nominees hai. Arundhati Nag, Pa. तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है. विद्या माँ अकेले बच्चे को कैसे पालूंगी तुम 2 साल की थी जब तुम्हारे पापा गुजर गए दिव्या दत्ता दिल्ली 6 काले बंदर का बाण मूर्खा ने मूर्ख बनाने में कोई जाना है डिंपल कपाड़िया लक बाय चांस 6 बरस की उम्र में तुम्हारे बाप ने तुम्हें थप्पड़ मार मार के ऐसी छुट्टियां ले लेकर फिल्मों में काम नहीं करवाया हल्की कोचलन देव डी चेन्नई आदत हो रेडी हो गया है क्या हुआ सुप्रिया पाठक कपूर वेक अप सिड यू डिडंट पास्ट शहाना गोस्वामी फिराक तेरी खिसक गई है क्या And to present the award, may we have on stage Neil Nitin Mukesh and the wonderful Kunal Kohli. Hi, Seth. Hi, Kunal. How are you? Good. Neil. Neil, we've met. We don't want him to say anything to us anymore. Yeah. Sorry, Neil. Sorry, Neil. I'm really impressed. Okay. And the award goes to? Well, the winner is Kalki for Dev D. Wow. Thank you so much. Congratulations, Ali. Thank you. Thank you, Filmfare, and thank you to the jury, and of course, a very special person, Anurag. Thank you. Bye. Thank you very much, and congratulations. And now, for the last award in the supporting category, it's the best actor in a supporting role, male, and the nominees are... Best actor in a supporting role, male, ke nominees hai. अमोल गुप्ते कमीने कितनी बार पूछा बता दे क्या लफड़ा किया तेरी अपनी जान का मामला था बस थोड़ी घाई करता ना तो बच जाता बमन ईरानी 3 Idiots घोसले से गिरा देते कंपटीशन ओवर द लाइफ बिगिंस विद मर्डर नील नितिन मुकेश न्यूयॉर्क या तो मैं अपने तरीके से करूंगा या नहीं करूंगा पहले आपकी काली गाड़ी में आपकी जेम्स बॉन्ड और अब ये जो भी आप ऐसे कहते हैं आर माधवन 3 Idiots अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जो में घुमाने नहीं लेके गए थे ऋषि कपूर लक बाय चांस बड़े बोल नहीं बोलता टचवुड वोल्केनो ऑफ टैलेंट शर्मन जोशी 3 Idiots बड़ी मुश्किल से आ गया एटीट्यूड नहीं होगा सर एंड टू डू द ऑनर्स वी'd लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर रमेश थोरानी एंड बिपाशा बासु इन
आपने अभी एक अपना स्टेप लूज किया है सर विपाशा गुड टू हैव यू हियर डार्लिंग आई जस्ट वांट रमेश वंडरफुल टू हैव यू हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू विपाशा हैज जस्ट टेकन आउट अ फिटनेस वीडियो कॉल्ड फिट एंड फैबुलस Yep. Oh, you're so sweet. Yeah, it's a marvelous video. It's a great video. And it's for people to get fit and fabulous. And we just thought that if myself, Saif, and Ramesh Ji, do a little follow Bipasha. If you just put on the music, you tell us the Bipasha steps we'd like to do. Step. Yeah, come on, darling. Well, I'll hold that for you, sir. Ramesh Ji will do a step. Yeah, we'll all do it, darling. Stop talking. Come on, Ramesh Ji. Well, I know for a fact that Ramesh Ji is fabulous. Yes, we have done a film together for him. He's a fabulous producer. And yes, it's about time you get fit, Ramesh Ji. Okay, please tell us. You know what? Can we have some music? Bipasha, count it out for us. Ramesh Ji, me and Saif, come here. Simplest thing to do. I need Mr. Shah Rukh Khan to demonstrate that for me. Show the step. I can't show it. This is something. No, just do a normal jumping jack. It's a great start. Not me. But tell us, what are we supposed to do? No, what's a jumping jack? I don't know what a jumping jack is. Go for it. Yeah, Saif, please help me out on that. Just a little bit. Okay. Ramesh Ji, let's do it. Together. Come on, Ramesh Ji. Let's see once. Ramesh Ji. Come on. Excellent. I love you, Ramesh Ji. Thank you, Ramesh Ji. Thank you, Bipasha. Thank you. Thank you so much. Oh, shit, I'm talking to you. I think enough of getting fit. We need to do what we're here for. Yes, you do the stuff that you're supposed to do now. We are. Ramesh Ji, are you feeling the six-pack already? Now that Ramesh Ji is fit and fabulous with me, we are here to present the award for the best actor in a supporting role, male. All right? Really funny man. Great guy. Baman Irani for Three Idiots. I'd like to dedicate this lady, and I've waited specially to say this, for a very, very special lady who is at home right now, but I can assure you she's listening to every word I'm saying, because I know that my wife has turned on the mobile phone so she can hear what I'm saying. My mum, who's 83 years old and sitting at home. She was a single parent who brought me up single-handedly for 50 years of my life, and I'm 50 years old. We lived in a little neighborhood in South Bombay called Nagpara, and opposite my house was a cinema called Alexander Cinema. And every evening after a little while, she'd come and say, Baman, have you done your homework? And I'd say, yes. She's saying, why don't you go and watch a movie? And I would go and watch a movie. And then the next day she'd say, why don't you go and watch a movie again? I said, Mommy, I saw Pyaasa last night. And she'd say, go and see it again. This time, go and see it for the lyrics. And the next day she would say, go and watch another movie. And I said, Pyaasa is still running in Alexander. She's saying, go and watch it again. This time maybe for the cinematography. And that's the education my mother gave me. Mom, I'm grateful to you. Thank you very much. Because whatever you say, he still looks very good without a shirt. और नहीं तो क्या? एक बार जो मैंने commitment कर दिया, उसके बाद तो मैं अपने खुद की भी नहीं सुनता. मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा. इन आँखों की मस्ती
think it's I'm feeling it's time for like a Okay, it's been a long time since we've done. We're becoming too nice. We need to do a cheap joke. And before we get onto the cheap joke part, let me just tell you all that this wonderful couple who got married in 2009, that's Shilpa Shetty and Raj Kundra. Yes, let's hear it for them. Lovely marriage. That is the children. Yeah. Very nice couple. Great couple. You know. But they gave me a Rolex. They give you a Rolex watch? Yeah. Really? They're really wonderful, but why? I don't know. It's really strange. In fact, I was at the airport, they were going on their honeymoon, and all I said was, I want a watch. You said you want a watch, and they give you a watch? That's a cheap one. That's really cheap. Can I also do a cheap joke, please? Please. Okay, I have a friend called Sunil Tanna. He's a distributor, and he's married to this wonderful lady. And every year, she keeps getting pregnant. Ek bachcha ho gaya, dusra bachcha ho gaya, teesra bachcha ho gaya, chautha bachcha ho gaya, paanchwa bachcha ho gaya. So, maine ek din unse pucha ki, Sunil saab, ye bhabhi ko aap har saal pregnant kyun kar dete hain? Why? तो उन्होंने बोला यार शादी के टाइम मैंने उसके डैड को प्रॉमिस किया था मैं आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन आई नो दिस वन माय वाइफ इज गोना स्लैप मी व्हेन आई गेट बैक होम फॉर दिस वन बट भाभी से याद आया हमारे पास हमारा अपना व्हेन वी स्टार्टेड होम ग्रोन करीना कपूर है सो आई रिक्वेस्ट सैफ ऑन बिहाफ ऑफ करीना लाइव परफॉर्मेंस फॉर यू I also acted with her, my first film with her. So we'll try and do this, ladies and gentlemen, only for you. Saif as Kareena Kapoor. 1, 2, 3, go. Sun, sun, na, 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 sun, sun, na, na, sun, 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 na, 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 sun, sun, na, na, sun, 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 na, 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 sun, sun, na, na, sun, sun, na, 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 sun, sun, na, na, na. Now, everybody, give it up for Saif Ali Khan. ये मोजे ये जुराबें जो बिलीव इट और नॉट रणबीर ने अपने पांव में पहनी थी सैफ प्लीज चेक रणबीर ने पहनी थी कि नहीं यस दैट्स रणबीर सिर्फ दो बम क्यों है सैफ वेल यू नो आमिर डजंट रियली टर्न अप फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड सो दिस टाइम ही इज नॉट इवन सेंट हिज बम Time to give away our second lifetime achievement award for tonight. Meri all time favorite filmon mein se ek hai Kabhi Kabhi aur shayad hi koi aisa din guzarta hai jo main is film ke gaane nahi sunta. Aaj usi film ke sangeetkar ko ye award diya ja raha hai. So it's my honor to be on the same platform with one of India's most gifted composers none other than Khayyam saab. कहते हैं अगर संगीत कभी प्रेम की मिठास है तो कभी एक रूहानी एहसास है खयाम साहब के संगीत को सुनकर ये सब सच लगता है वो एक संगीत के महात्मा है संत है जो खूबसूरत काम खयाम साहब ने किया है किसी भी अवार्ड के वो हकदार हैं। It's been a great honor and privilege to sing for Khayyam साहब। खयाम साहब के साथ मेरी एसोसिएशन आखिरी खत से शुरू होती है। खयाम साहब ने बड़ी शिद्दत और नजाकत से अपनी धुनों में एहसासों को पिरोया है कभी कभी दिल में आने वाला ख्याल हो या उमराव जान के दिल की पुकार कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है खयाम साहब की धुनों ने मंगेशकर सिस्टर्स की आवाज के साथ मिलकर वो जादू किया है कि वक्त तो गुजरा है पर बढ़ती ही गई है मिठास उन गीतों की खयाम साहब आपको बहुत बहुत बधाई संगीत के धनी इस विलक्षण प्रतिभा को फिल्म फेयर का सलाम द लेजेंडरी
खय्याम साहब। Ladies and gentlemen, Khayyam Saab. Kabhi kabhi. And to give away this award, we have with us one of the greatest voices we've ever heard, the one, the only, Asha Bhosle ji. Kabhi kabhi mere dil mein khayal aata hai ki jaise tujhko banaya gaya hai mere liye ki jaise tujhko banaya gaya hai mere liye. Maine bahut gaane gaaye, कैबरे गाए, कवालियाँ गाई, कुछ भी सब गाने गाती गई मैं. लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि मुझे उन्होंने, जब बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन करके कहा कि यार आशा जी आप गज़ल गा सकती हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे. और एक नया दरवाज़ा खुल गया गज़लों का, और वो सिर्फ खय्याम साहब के वजह से. और आज इनको मैं अपने हाथ से अवार्ड दूंगी. ये सुनहरा मौका मुझे दिया है जितेश पिल्ले जी ने, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. बहुत बहुत शुक्रिया फिल्म फेयर का, जूरी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा. और मैं ये अवार्ड अपने गुरुओं के चरणों में, पंडित हुसैनलाल भगतराम जी, पंडित अमरनाथ जी, चिश्ती बाबा, ये उनकी देन है कि ये पूरा संगीत का सफ़र, फिल्मी सफ़र ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है. लेकिन मैं अभी काम कर रहा हूँ और इसी तरह काम करता रहूँगा. कुछ बातें पहल हुई, मुझे पहली तनख्वाह याशी के बड़े भाईजान बी आर चोपड़ा साहब ने एज असिस्टेंट, जबकि मैं तो काम सीख रहा था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या देखा मुझ में, उन्होंने उस वक्त मुझे 125 रुपया महीना एज एन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर दिया. पहली तनख्वाह मुझे बी आर चोपड़ा साहब से मिली, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता. जब जब मुझे कोई मान सम्मान मिलता है मैं उनको याद करता हूँ. रेखा जी, उमराव जान में आप ना होती और आशा जी की आवाज़ ना होती तो उमराव जान उमराव जान ना होती. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुजफ्फर अली साहब का, सुभाषिनी जी का, उन्होंने किस तरह ये किताब तो हमारे पास थी, पढ़ी हुई थी, उमराव जान अदा, लेकिन इतना कठिन था इसका म्यूज़िक देना पाकीज़ा सामने, इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट पाकीज़ा सामने, और उसके बाद म्यूज़िक देना. तो हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ जाड़ी, उस हिस्ट्री में मिला कि उमराव जान ने बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखा, नृत्य सीखा, उस पे कमांड हासिल कर ली, शायरी की, बहुत अच्छे शेर का कहने लगी वो. और वो इतनी खूबसूरत थी कि पूरे अवध में धूम उनके हुस्न. और आशा जी ने बताया कि किताब में ये भी लिखा वो सांवली थी, और रेखा जी भी सांवली हैं, क्या कहने, बेमिसाल लाजवाब हैं रेखा जी. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों का, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फिल्म फेयर का और जूरी का. इन आँखों की मस्ती.
Our next round of awards for the first award, the Critics' Best Film Award, please can we have Mr. Manjeet Singh, CEO Sony Entertainment Network, and Mr. N.P. Singh, COO Sony Entertainment Network. The Critics' Award for Best Film, ladies and gentlemen. Critics' Award for Best Film goes to... Yes, somebody said Firaq. It is Firaq. Huge round of applause to Nandita, ladies and gentlemen, for Firaq. Thank you very much. This is my first time at a Filmfare Award. It's my first film. You never get an award for your first film because you only make your first film once. So this is very, very special. So thank you all the critics and the jury. Thank you. Next up is the Critics Award for Best Actress. And to do the honors, could we please welcome Madhur Bhandarkar, Diya Mirza, and Sameera Reddy. Critic Awards, Best Actress goes to... I'm so happy I'm announcing this one. Mahi Gill for her uninhibited performance in Dev D. Feels nice holding the black lady. I want to thank my director Anurag Kashyap for this. Thank you, Anurag, for giving me the role of Paro. I would like to thank UTV and Filmfare and the jury. Thank you so much. The last award in this segment is the Critics Award for Best Actor. Aur ye award dene ke liye hum stage par bulana chahenge Mr. Balram Garg, Managing Director, PC Jewelers. Ms. Pooja Chopra, Beauty with a Purpose Miss World 2008, and Pantaloons Femina Miss India World 2009, and Ms. Simran Kaur Mundi, Pantaloons Femina Miss India Universe 2008. An award goes to Ranbir Kapoor. Karan, congratulations. Not Ranbir, just to inform you. You look like you might not know that. I'm just accepting on Ranbir's behalf. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, back again, but promise you, for the very last time tonight, aur ab hone wala hai ek dhamaka. Everybody wants a piece of cinema, especially blockbuster cinema. Aaj hum aapko de rahe hain ek mauka nominated films ke kuch khas parts ko own karne ka, unhe apne paas apne ghar le jane ka. Ladies and gentlemen, presenting the IPL auction. Ji haan, yani ki idiotic props left over auction. So here we go. Lights, camera, auction. Hamari aaj ki pehli film hai Kameene. फिल्म का टाइटल भले ही गाली हो लेकिन इस फिल्म को किसी ने गाली नहीं दी सिर्फ ताली दी शाहिद प्रियंका फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस यस एवरीबॉडी प्लीज क्लैपिंग फॉर देम पिक्चर आसिफ यह पिक्चर आसिफ चली बल्कि दौड़ी और इसलिए आज हम यहाँ कमीने की एक चीज ऑक्शन करने जा रहे हैं लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम कमीने सेफ फ्रॉम द बॉटम यस हियर इट गोस जी हाँ हमारे पास कमीने का घोड़ा सो जल्दी से आप लोग इसके लिए बोली लगाइए एवरीबॉडी कमीने का घोड़ा कमीने का घोड़ा कमीने का घोड़ा कमीने का घोड़ा इट्स अबाउट टू गो बोली लगाइए वंस गोइंग ट्वाइस एंड सोल्ड सोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन एब्सोल्युटली एंड टू हू सैफ टू सलमान खान Because whatever you say, he still looks very good without a shirt.
और नहीं तो क्या, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने खुद की भी नहीं सुनता। मेरा ही जलवा। What? I don't know what it means, but it sounded really good. It sounds very good. Let's move on. Okay, right. Guys, let's see. हमारी अगली फिल्म है पा। पा से हमारे पास है। Lovely. We have Oro का यूनिफॉर्म। Oro का यूनिफॉर्म, ladies and gentlemen. Oro का यूनिफॉर्म, Oro का यूनिफॉर्म। मेरी बड़ी बोली लगाई। Bidding, ladies and gentlemen. जल्दी से Oro का यूनिफॉर्म। Going once, going twice, and sold. So, ladies and gentlemen, to Katrina Kaif. Ah. Yes. वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाएंगी और वो हिंदी पढ़ेंगे इन दैट यूनिफॉर्म। I'm just joking, Katrina. We love the way you speak. Yeah. Thank you. Oh. हमारी जो फिल्म है वो वेकअप सिड है। सैफ, यस सर, हियर वी गो। इस फिल्म का हमारे पास कौन सा आइटम? ब्यूटीफुल। ये शानदार सॉक्स, ये मोजे, ये जुराबें, जो बिलीव इट और नॉट रणबीर ने अपने पांव में पहनी थी। सैफ प्लीज चेक, रणबीर ने पहनी थी कि नहीं? यस दैट्स रणबीर। Yeah, that is Ranga. ये जो जुराबें हैं थोड़ी सी छोटी हैं, मुझे ऐसा लगता है रणबीर के पैर छोटे हैं। आई जस्ट होप उसके बाकी सब कुछ जो है छोटे नवाब जैसा छोटा ना हो। Right. I mean, obviously everyone wants to be in Ranbir's shoes these days, but who dares to be in his socks? Wake up and take up the bowley. Going once, going twice, and it is sold. Two. The one and only Sherlyn Chopra. Who has made a full-length ball gown out of it. And she'll be attending functions like this. I think she looks really lovely in these socks. But ek extra bhi hai uske saath. Use of socks. Yeah, Sherlyn look absolutely beautiful with these socks. Let's hear it for Sherlyn once, guys. Come on. She was here and she's absolutely marvelous. And the last, but the not last, the least. Not the least, in fact. Hamari film hai Three Idiots. Vidhu Vinod Chopra ki Three Idiots se dekhte hain ki hamare paas kya hai. Oh, it's a little transparent. Thoda sa? I think. That's okay, but we can still do it with style. So look. Saif, apne jazbaaton pe kabu rakho. तो इस फिल्म के बेच रहे हैं हम ये आलीशान बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। सिर्फ दो बम क्यों हैं सैफ? वेल यू नो आमिर डजंट रियली टर्न अप फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड सो दिस टाइम ही इज नॉट इवन सेंट हिज बम। तो पूरा आएगा लेकिन अपना पार्ट भी नहीं भेजेगा। बट दीज आर वेरी कंफर्टेबल। बहुत कंफर्टेबल है। वी कैन सिट। एब्सोल्युटली वी कैन सिट ऑन दिस एंड इट्स ग्रेट। ये इतना बड़ा बम है। बहुत मुलायम बम है। हाँ, और अलकायदा ने हमको ऑफर भी दी है कि ये बम हम उनको दे दें, लेकिन आवर नेम्स आर खान एंड वी आर नॉट टेररिस्ट। इनफैक्ट ये शाहरुख का बम ग्रीन है और इको फ्रेंडली है। इट्स अ ग्रीन बम, गो ग्रीन, वेजिटेरियन। एवरीबॉडी होंठ घुमाओ, बोली लगाओ, बोली लगाओ के बोल भैया, वी वांट बम, वी वांट बम। 3, 2, 1, and it is sold to.
Come on, no prizes for guessing. This bum is sold to our friend and a wonderful, wonderful star, John Abraham. हमारे दोस्तों की फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म थी दोस्ताना, लेकिन उसके अंदर उनके बम का जो प्रदर्शन किया गया था उसकी वजह से उनके एक्सप्रेशन किसी ने नहीं देखे. बट हमने डिसाइड किया है कि दोस्ताना के सीक्वल्स में उनका हम जो है बम दिखाएंगे और उनको हम चॉइस देंगे कि उनके पास अब रेड वाला भी है फॉर दोस्ताना 2 एंड द ग्रीन वाला है फॉर दोस्ताना 3. बिकॉज दोस्ताना 1 का बम तो उनके पास पहले से है और आप देख चुके हैं. Love you, John. God bless you. Now, we come to the high point. Absolutely. Yeh thi filmon ki baatein. And now, surprise, surprise, surprise. There are 2 more items for sale. This handsome hunk, Seth, long hair included, hardly used, mint condition, baaka nojawan, with long-lasting flavor, contains no artificial fruit juices or pulp. Here's the man himself, as is, where is condition, tried and tested, state-of-the-art circuitry, and has a valid US and UK visa. And also quite good at babysitting. But conditions apply. So, ladies and gentlemen, hum chahenge ki aap logon ne hamare sath jo badtameezi ki, jo humko humiliate kiya, jo insult kiya, please, now show some grace. Aur humme se kisi ko, aap, hum humme se dono ko actually, bit for us, take us home, take us home. Do whatever you want. Somebody put a boli, we can come back home with you. You've been so kind to you. Come on, koi to boli lagao na yaar. Come on, boli lagaiye, boli lagaiye, boli lagaiye, boli. Koi bhi nahi kar raha yaar. I just. You know, Vinod, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा मैं यहाँ. तुम ये ना बम बम वाली पिक्चर बना रहे हो, मुझे बहुत डर लगता है. हम दोनों ही पठान टाइप हैं. But Neil, Neil, Neil seems to be. Where is Neil? Neil seems to be wanting to say something. What do you want to say, Neil? I think Neil wants to apologize because he was quite offensive earlier, saying shut up and all to us. Neil, you want to take us? Please come, Neil. Come on, sir. Sorry. We love you. You've been very, very kind. Yep. Ladies and gentlemen, Neil, जिसने पहले हमारे साथ बदतमीजी की थी, लेकिन हमें गले लगाकर घर ले जाना चाह रहा है. Neil, come on, give it to us. Come here, man. Come on. You're gonna give us a present. He's got an envelope. That's wonderful. Give us a hug. Come on. Cash. Nice cash for both. Thank you. Oh. For the banana. Okay, well, the banana gave him. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. This has been very kind, Neil, and abusive, and generally, you know, unsporting and badly behaved, which is exactly the spirit of this occasion. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you, ladies and gentlemen. For being so cheap and vulgar and humiliating to us. Yes. But you know something, हम लोग भी बिल्कुल बेशर्म. हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. So we're going to leave this evening, ladies and gentlemen, on a high. Hope you've had a good time. Hit it, band. Gentlemen, there are stars and there are stars. Lekin bahut kam aise stars hote hain jinki taraf hum khud ba khud kheeche chale jaate hain. And with every passing year, our bond with these stars only becomes stronger. Ek aise star jo ek baar commitment kar lete hain to khud ki bhi nahi sunte. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the superstar, the heartthrob of millions, the always wanted Salman Khan. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल. ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है.
हम रहा चलो मेरे या रहा से हट जाओ, दीवार के रोके दरिया कहाँ रुकता है। Getting back to the 55th Idea Filmfare Awards, brought to you by Idea Cellular Limited, event scripted, directed and coordinated by Murani and Surma of CineYug Entertainment. Next up is the prestigious award for Actor in a Leading Role, Female, and the nominees are... Best Actor in a Leading Role, Female, ke nominees hain Deepika Padukone, Love Aajkal. Ye sahi nahi ho sakta. Kya? Ye Jay, ye mujhe bhi apne jaisa bana raha hai. कैटरीना कैफ, न्यूयॉर्क। माया मैं डर गया। कौन हो तुम? माया तुम जानती हो मैं किम इंतकाल में हूँ। तुम से मेरे को हर्ट करने आई हो। कैटरीना कपूर, थ्री इडियट्स। होते हो, पर तुम लोग का खाना इतना खतरनाक क्यों होता है? ढोकला, फाफड़ा, हंडवा, थेपला, खाकरा, ऐसे लगता है जैसे कोई मिसाइल्स है। करीना कपूर, कुर्बान। मारो मुझे एहसान, और अब हमारे होने वाले बच्चे को भी मार डालो। मारो मुझे, मारो एहसान, एहसान। प्रियंका चोपड़ा, कमीने। तेरा वो भोपे भाव वोटों के लिए अपनी बहन को बेचने को तैयार है। अरे नहीं करनी शादी मुझे उस बिल्डर और उसके कमीने बेटे से। विद्या बालन, पा। क्रोमोसोम ACGT को मिलाकर हर शरीर में 3 बिलियन ऐसे कोड्स होते हैं। कभी कभार जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इन 3 बिलियन में से किसी एक कोड में टी की जगह अगर गलती से सी ले लेता है तो उसे और कहते हैं। And to do the honors, could we please invite the beautiful Sridevi and Mr. Boni Kapoor? Yeah, Vidya Balan Papa. Vidya Balan for her scintillating performance in Pa, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. Thank you, Filmfare. Balki, firstly, for thinking the unimaginable and doing the unimaginable. Rishi, Vishal, our first AD. Swanand Kirkire, Ilayaraja sir. PC sir, Anil Naidu. Tapan, everyone, most importantly. Of course, Arundhati Nag, Abhishek Bachchan, and... You know, I'd heard, but now I know that motherhood is truly rewarding. And the man who makes me a mother, none other than Amitabh Bachchan. Thank you. And the next award is for Best Actor in a Leading Role, Male. And the nominees are? Best Actor in a Leading Role, Male. Ke nominees hain? Aamir Khan, Three Idiots. Explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. Amitabh Bachchan, Pa. What's my name? Aru. Why so complicated? Sida sida, main kyun nahi char aank, do khan, ek naak, ek muh, do haat, do thang, ek stomach, ek pancreas, ek heart, ek brain. रणबीर कपूर, अजब प्रेम की गजब कहानी। लेकिन इस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? दर दर की ठोकरें खाएंगे? आपकी बूढ़ी हड्डियों में ना जान है ना आवाज में दम, खुल के भीख भी नहीं मांग सकते। मैं ऐसी आवाज देनी पड़ती है। चुप। रणबीर कपूर, वेक अप सिड। बहुत आसान है तेरे लिए कहना, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि तू पास हो गया। कम से कम लेक्चर मत दे यार। ओके सिड, बट रिलैक्स यार। मैं टाइम टू रिलैक्स, सब कुछ साथ साथ किया है हमने, खुद तो जाके पास हो गया। और मैं
सैफ अली खान, लव आजकल, हीर रांझा, लैला मजनू, ये जन्म जन्म का साथ टाइप के लोग, ये सिर्फ कहानियों में होते हैं, राइट? तुम और मैं, हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं। शाहिद कपूर, कमीने। अब कहाँ गई तुम्हारी सच्चाई? सेफ्टी? फिर क्या? साइंस, होम साइंस। To do the honors, could we please invite on stage Mr. Sanjeev Aga, Managing Director, IDEA, and the fabulous Vishal Bhardwaj. Before I request Mr. Vishal Bhardwaj to read the name of this great winner, on behalf of IDEA and the Aditya Birla Group, I want to thank Worldwide Media for this wonderful IDEA Filmfare Awards, and I hope all people viewing this are having a great time. ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। हम रहा चलो मेरे या रहा से हट जाओ, दीवार के रोके दरिया कहाँ रुकता है। बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन, पापा। या जस्ट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, थैंक यू फॉर ऑल द लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लव यू। The award for best film 2009. And the winner is, the Filmfare Award winner is, for the best film is... वक्त गवाए, वी'd लाइक टू गिव अवे द नेक्स्ट अवार्ड ऑफ द 55th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड्स, व्हिच इज फॉर बेस्ट डायरेक्टर। लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनेशंस। बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनीज हैं अनुराग कश्यप, देवदीप, अयान मुखर्जी, वेक अप सिड। दोस्तों बन गए, व्हिच इज ग्रेट। सोचो तो कुछ और भी बन सकते। इम्तियाज अली, लव आजकल। आर बाल्की, पार। उसको व्हाइट पेंट किया, और कोई कलर नहीं था। हेयर मार्कर नहीं था तो मैप नहीं बनाया, ऐसे ही छोड़ दिया, बाथरूम गया, फर्स्ट नाइट भी गया। राजकुमार हिरानी, थ्री इडियट्स। विशाल भारद्वाज, कमीने। कि हम कौम फराफ्ता चुनते हैं, वाट लगती है इफे कि हम कौम फराफ्ता छोड़ते हैं। और ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे रमेश सिप्पी और कंगना रनौत। ऑफ कोर्स राजू हिरानी, Three Idiots. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भवरे गा रहे। Honored to get it from the man who gives Sholay. I have a favorite quote which says, dreams are not something which you watch when you are asleep. Dreams are something which don't let you sleep. So when as a director you make a film, there are many people who don't sleep because of you. So this is for the entire cast and the crew who didn't sleep so I could get this.
It's for all you guys. Thank you so much. Next up is the last, but the most prestigious award for the evening. The award for Best Film 2009. And the nominees are... Best Film ke nominees hai. Three Idiots. Jaapana! Tusi great ho! Tohfa ko kubool karo! Dev D. अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शराब पीते हो, मारपीट करते हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं कहते? कमीने, फक उफ़ बोलता हूँ। अरे फक उफ़ नहीं बोलेगा तो क्या लव बोलेगा? लव आजकल। रोमियो एंड जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू। बाय द वे तुमने नोटिस किया कि देसी लव स्टोरीज में लड़की का नाम हमेशा पहले आता है? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? पा वेक अप सिड मैं अपने डैड के पैसे खर्च करता हूँ। नाइस। और कॉलेज के बाद क्या करोगे? कॉलेज के बाद भी मैं अपने डैड के पैसे खर्च करूंगा। To do the honors, could we call the stunning Rekha on stage? Namaskar. And the winner is, the Filmfare Award winner is, for the best film is, 2009 is, I must be the biggest idiot. Because I haven't had the opportunity to see this film, and I blame this on Vidhu Vinod Chopra. It's for Three Idiots. Congratulations. Thank you, Karan. This is absolutely impossible to get without the whole team working the way they work. As Akira Kurosawa said, and I've said it many times, Anu told me don't say it again, but I'll say it again. He said, filmmaking is a cooperative workforce based on individual human talent. Thank you, everybody. Ladies and gentlemen, this was the 55th Idea Filmfare Awards, brought to you by Idea Cellular Limited, associate sponsors PC Jewelers and Voice of India. Thank you all of you for being such a wonderful audience. It's been a pleasure. We hope you enjoyed the show as much as we enjoyed putting it up for you. Here's wishing you great times ahead at the movies. Good night and good luck. Shabbak khair. Shabbak khair. एक्चुअली फैंटास्टिक लग रहा है, चोर बाजारी के लिए जीता था। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए मुझे अवार्ड मिलेगा। फिल्म फेयर इज लाइक द मोस्ट स्पेशल ऑफ ऑल अवार्ड्स। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ। रियली हैप्पी। थैंक यू फिल्म फेयर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिलने के लिए। मैं शॉक्ड हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इट फील्स रियली नाइस होल्डिंग इट। देखिए फिल्म लोगों को पसंद आया तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है और लोगों को छू रही है, लोगों को मैसेज पहुँच रहा है कि बच्चों में प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आई थिंक उस चीज़ की हमें ज़्यादा खुशी। दिस फॉर टू हेल्प मी कीप रनिंग मोर। इधर तीन है, सीट में और पड़ी हुई है। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। आई थिंक आई एम अ वेरी वेरी लकी ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा सपना आज साकार हुआ है, फिल्म फेयर को हाथ में पकड़ कर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। इट फील्स आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड।